Hi, this is Pooja Hegde and I'd like to wish viral Bollywood viewers a very, very happy Diwali and a happy New Year. कॉर्नर लाइट लगा रहा है तो लाइट लगा मैम अब आ गए मैम कॉर्नर लुक सेंटर सेंटर थोड़ा ऊपर ऊपर नहीं बच्चे लोग नहीं आएंगे आप आगे आ जाओ आप आगे आ जाओ थोड़ा नीचे बनो बच्चे लोगों का फेस आएगा थोड़ा सा ले लो बच्चे लोग रहने दो चलेगा 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 अच्छा यहाँ पे देखिए गिर जाएगा अनिल हुआ क्या अनिल अरे उधर सर हुआ था अनिल अरे आप इधर आइए आप इधर आइए
कैमरामैन करना चाहती थी और ये अपॉर्चुनिटी आया क्योंकि मुझे लगता है कि हम बहुत ही प्रिविलेज है कि हमें इतना सारा प्यार इतना सारा फैसिलिटीज मिलता है जो बच्चों को नहीं मिलता है. तो आई लव चिल्ड्रन सो पर्सनली सो आई थिंक फीडिंग देम एंड आई थिंक जब बर्थडेज होते थे स्कूल में और मैं किसी और के बर्थडे पार्टी में जाती थी तो इतना खुशी महसूस होता था कि किसी की पार्टी में जाना चिप्स का खाना समोसे खाना तो वो जो जो जॉय है जो खुशी है मैं उनके साथ बांटना चाहती थी और आई वांटेड देम टू फील द सेम लाइक हाउ आई फेल्ट व्हेन आई वाज अ चाइल्ड. सो इट्स रियली लवली टू स्पेंड टाइम विद देम. नॉर्मली देखा जाता है कि स्टार्स अपना बर्थडे बड़े होटल्स या फैंसी होटल्स में मनाते हैं या देखा ऐसा आया सारी बार में आई थिंक कि मतलब जो आपको अच्छा लगता है वो करना पड़ता है. आई ऑल्सो इन्जॉय ऐसे कुछ नहीं है कि आई डोंट इन्जॉय माई पार्टीज बट आई थिंक कि आज अगर मैं एक घंटा अपने 24 आवर्स से 24 घंटों से एक घंटा भी निकालूँ उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है. आई थिंक दैट्स इनफ बिकॉज थोड़ा अगर हर कोई थोड़ा थोड़ा करेगा तो इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अ लार्जर पिक्चर. आज के कुछ खास मेमोरीज बता सकते हैं? आज की मेमोरीज़ आई थिंक खास मेमोरीज़ तो यही है यहाँ पे आना उनके साथ टाइम बिताना. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कट द केक उनके साथ केक कट करना
क्योंकि आई थिंक एवरी चाइल्ड लव्स कटिंग केक्स. मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी तो थोड़ा मतलब यू नो वेरी वेरी क्वाइटली मैं केक के उधर जाती थी. अगर मेरा भी बर्थडे नहीं था तो केक जहाँ था पूजा होती थी. एंड आई यूज़ टू लाइक यू नो वो चाटना जो होता है, आई यूज़ टू स्लोली हैव सम केक. सो व्हाट बेटर वे टू सेलिब्रेट देन विद चिल्ड्रन, यू नो. सो लाइक काफ़ी टाइम जा रहा है और नए नए प्रोजेक्ट्स है, तो उसके बारे में भी जानना चाहूँगी लाइक कितने प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं. वेल होपफुली जैन से मैं कुछ स्टार्ट करूँगी. अभी तक कुछ अनाउंस नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जब आई मीन आई विल अनाउंस. डीजे काफ़ी धमाल मचा रहा है, देखा जाए तो थिएटर्स में अभी फिलहाल रिसेंटली. और इसके बाद हमें जितना कि पूछा कि आप रेस 3 में भी दिखने वाले सलमान के अपोजिट, कितना एक्साइटेड है इस बात को लेकर. उसके बाद में कंटिन्यू प्रोजेक्ट्स भी आपके साउथ में. हाँ, तो डीजे वॉज वेरी वेल रिसीव बाय द ऑडियंस, थैंक यू सो मच फॉर दैट. खुशी होती है जब एक फिल्म जिस पे आपने काम किया वो चली तो इट फील्स गुड. एंड बहुत कुछ करना है फिर जिंदगी में, हैव अ लॉन्ग वे टू गो एंड दिस इज अ स्टार्ट आई थिंक. और सलमान के अपोजिट शायद आने वाले हैं आप. ये शायद जो शब्द है ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो अगर वो जो नहीं सी आई लव सलमान खान, सो दैट इज समथिंग दैट इज द ओनली थिंग दैट आई कैन से, क्योंकि उसमें कुछ शायद है कि नहीं है ऐसा कुछ नहीं है. सो आई वुड लव टू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ सलमान खान एनी टाइम एंड आई विल जंप एट द अपॉर्चुनिटी. I hope I'm doing. तो वो शायद जो शब्द है वो बहुत इम्पोर्टेंट है इस इक्वेशन में, बट आई होप दैट आई वर्क विद हिम. ओके, दिवाली विश. दिवाली, यस, हैप्पी दिवाली टू ऑल द व्यूअर्स आउट देयर. दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट, सो हैव अ सेफ दिवाली एंड नॉट अ नॉइजी वन. थैंक यू. कुछ हमें दिखाई दीजिए. अरे कैंडल जलाए, कैंडल जलाए. वापस एक बार हाय बोलो. हाय एक बार फिर से. ओके ग्रुप पूजा जी रेडी. समथिंग शादा भी तेरे साम बाजू में है ना, मालूम हो गया जब. हाँ इसलिए हंस रहे हो, उसने फोन किया होगा. ये हो जाएगा तो मैं अभी तो इधर होने के बाद सिटी मॉल आ रहा हूँ.